नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। ये सीटीईटी या फिर और अन्य जो राज्य के टेट होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरली जो अभी तक मैंने यूट्यूब के ऊपर मैथमेटिक के पेडागोजी के क्वेश्चंस देखे थे वो सब जनरली इसको डील करते हैं, जबकि मैथमेटिक पेडागोजी जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक पेडागोजी है, विशिष्ट पेडागोजी है। यूनिट सेफ के जो हमारा एक मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट है उसके तहत इसमें बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं और एनसीएफ ने इन सभी मॉडल्स को पेडागोजी के लिए शामिल किया है। सी टेट या जो स्टेट टेट हैं वो इन्हीं मॉडल्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है मैं इन्हीं मॉडल्स के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप टेट में आने वाले प्रश्नों को आराम से कर सके मॉडल्स को थोड़ी बहुत समझ करके। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। कक्षा पांच के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना किसके द्वारा परिचित कराई जा सकती है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो इसमें हमें दो मॉडल देखने पड़ेंगे। एक मॉडल जो इसमें यूज होता है वो है हीले का ज्योमेट्रिकल मॉडल, जबकि दूसरा अगर हम मॉडल देखें तो वो है कैंप का लॉ। ये दो लॉ हमें देखने पड़ेंगे, एक तो हीले का प्रतिमान है, दूसरा कैंप का प्रतिमान है। तो हीले का प्रतिमान हमें किसके लिए देखना है, ये हमें क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि ये एक आकृति है, ज्यामिति आकृति है, इसलिए हीले का मॉडल लगेगा। जबकि अगर हम कैंप के हिसाब से देखें तो कैंप के हिसाब से क्यों लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स। वर्सेस कंप्यूटेशनल मैथ्स हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को लेके हम चल रहे हैं। अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स का मतलब हुआ यांत्रिक गणित, और दूसरा अगर कंप्यूटेशनल मैथ की बात करें तो कंप्यूटेशनल मैथ का मतलब हुआ विश्लेषणात्मक गणित। तो ये दो गणित देखनी है हमने। तो अब हम विश्लेषणात्मक गणित के हिसाब से देखें तो पहले ऑप्शन में कैलकुलेटिंग द एरिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया, जब हम फॉर्मूला की बात कर देते हैं, सूत्र का प्रयोग की बात कर देते हैं, तो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स अब हमें आठवीं तक नहीं करवानी है और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स करवानी है, विश्लेषणात्मक गणित करवाना है, यांत्रिक गणित नहीं करवाना। तो यांत्रिक गणित की तरफ ले जाता है, फिर से स्टेटिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ये भी यांत्रिक गणित की तरफ ले जाता है, क्षेत्रफल का सूत्र बताना ये भी यांत्रिक गणित की तरफ ले जाता है। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से क्षेत्रफल की गणना करना, तो ये हमारे कंप्यूटेशनल मैथ्स को दिखाता है। और मेजरिंग द एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग आकृतियों से क्षेत्रफल की आकृति को मापना, ये भी एक कंप्यूटेशनल मैथ दिखाता है, विश्लेषणात्मक गणित दिखाता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, ज्यामितीय के बारे में। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जो ये फोर्थ है जिसमें हम अपने हाथ से, पाम से, लीफ से, पेंसिल से, अपनी हथेली से, पत्ती से, पेंसिल से नापते हैं, ये क्षेत्रफल के लिए नहीं है, ये एरिया के लिए नहीं है, ये है लेंथ के लिए, ये लंबाई के लिए प्रयोग होता है। और क्योंकि ये लंबाई के लिए प्रयोग होता है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ना तो फर्स्ट आंसर है ना सेकेंड आंसर है, आंसर थर्ड है। अगर आप फिफ्थ और सिक्स क्लास की एनसीईआरटी देखें तो दोनों में इस मैथड से एक्टिविटीज आपको बुक में दी गई हैं। चलिए अगले पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहेंस्ड बाय, गणित में गणना करके संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये सीधा सीधा कंप्यूटेशनल स्किल्स पे पूछ दिया, यानी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स या एनालिटिकल मैथमेटिक्स के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका।
तो इसके हिसाब से देखें तो कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रहेगा, अभ्यास हेतु क्रिया से गतिविधियों का करवाना, क्लैरिफाइंग कंसेप्ट्स बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नहीं रह सकता, प्रैक्टिस जब हम करवा रहे हैं तो ये कॉम्पिटिशनल मैथमेटिक्स नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स है। फिर से मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर कैंप का लॉ लग रहा है ऑफ मैथमेटिक्स, यहां पे कैंप का नियम लगेगा। तो फिर गिविंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अलोन, हमें केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देना, या डिस्क्राइबिंग एलोगरिथम ओनली, केवल एलोगरिथम का वर्णन करना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अलोन भी नहीं है। अब एलोगरिथम को हम देखें, तो एलोगरिथम कई बार लोग सोच सकते हैं कि एलोगरिथम कॉम्पिटिशनल मैथमेटिक्स की बात है, तो ये कॉम्पिटिशनल मैथमेटिक्स नहीं है। एलोगरिथम हम ट्रेडिशनली जैसे हम पारंपरिक तौर पर गणित सीखते थे उसके लिए एलोगरिथम यूज होता था, तो एलोगरिथम से हम सिखाते थे, और अब जो हम सिखा रहे हैं वो किस तरीके से सिखा रहे हैं, अब हम एलोगरिथम के बेसिस पे जो हम सिखाते थे वो सिखाते थे इसके बाद फॉर्मूला। तो ये ट्रेडिशनली है, ट्रेडिशनल हम पहले क्या करते थे, हम सवाल हल करने की प्रक्रिया बताते थे, और इसके आधार पर फिर सूत्र द्वारा हल बताते थे। तो ये जो था ये एक पारंपरिक तरीका है, ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, और अब हमें ये नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, हमें फिर जो हमें करना है वो करना है एनालिटिकल मैथ या कंप्यूटेशनल मैथ जो इसमें दिया गया है, यानी हम बात करते हैं अब विश्लेषणात्मक गणित की या संक्रियात्मक कौशल वाले गणित की। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं, इसीलिए यहां पर फोर्थ भी आंसर गलत है जिसमें हम एलॉगरिथम की बात कर रहे हैं। आंसर यहां पर पहला होगा जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज देते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज देते हैं, क्रियाशील गतिविधियां देते हैं, जिसका विश्लेषण करके संक्रिया को बच्चा पता करता है और उस संक्रिया से अपने गणितीय अवबोधन को या फिर संक्रियात्मक अवबोधन को विकसित करता है। हेयर वी प्रोवाइड डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज विच प्रोवाइड्स एनालिटिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड इन सॉल्विंग देम दे एक्चुअली जनरेट दे एक्चुअली कंस्ट्रक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल सेंस एंड ऑपरेशनल सेंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, टू टीच वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अ टीचर शेल टेक द फॉलोइंग मटेरियल्स टू द क्लास। यहाँ पे मटेरियल पूछा गया है, विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन कौन सी सामग्री ले जाएगा। अगर हम देखें तो पहला है रूलर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट यूनिट्स एंड मेजरिंग स्टिक बाय आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न लंबाई इकाइयों वाले रूलर और फुट्टा। तो वास्तुकार के स्तर तक अभी हमें बच्चे को सिखाना ही नहीं है, एब्स्ट्रेक्टली हमें इतना सिखाना ही नहीं है। फिर हम देखें एक और जो ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ गलत दिखता है वो है थर्ड ऑप्शन, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, रिलेशन वेरियस यूनिट्स। ये भी गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है ये? अगर हम देखें तो हम रिलेशन चार्ट जब देते हैं, जब हम संबंध चार्ट की बात कर रहे हैं तो संबंध चार्ट के हिसाब से जो हम बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे को हम मेमोराइजेशन के लिए पुश कर रहे हैं, हम बच्चे को विभिन्न संबंध स्मृतिबद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब हम ये काम नहीं करते हैं, ये काम अब नहीं करना है, ठीक है। फिर हम क्या करें, अब हम देखें तो हमने पहले भी देखा था कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स देखनी है, हमें एनालिटिकल मैथमेटिक्स देनी है या प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स देनी है, व्यवहारिक गणित या विश्लेषणात्मक गणित या क्रियाशील गणित, हमें इसके ऊपर हम बात करनी है। अब क्रियाशील गणित के लिए हम सेंटीमीटर रूलर और मेजरिंग टेप ले सकते हैं, मेजरिंग टेप विद सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड मीटर ऑन अदर साइड। तो
तो अगर हम इन दोनों में देखें, दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया इन दोनों में से किसे ले जाना चाहिए, इन दोनों में से तुलना करनी है, तो निसंदेह हम तुलना वो करेंगे जहां दो का संबंध मिले। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड से तो सेंटीमीटर नपवाएंगे और उसी की दूसरी साइड से क्या नपवाएंगे, मीटर नपवाएंगे, और फिर दोनों का रिलेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अगर देखें तो जो मेजरिंग टेप है उससे हम पहले काम कर चुके होंगे, क्योंकि अगर हम इसकी संकल्पना को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे अधिगमित उद्देश्य हैं वो पूर्व कक्षा के जो होंगे, यानी वो बच्चा रूलर और मेजरिंग टेप को प्रयोग करना जानता होगा, बच्चा नापने वाली टेप और रूलर को यूज कर रहा होगा वो पहले जानता होगा। अब हम अगली कक्षा में फिर उससे बात करते हैं कि हम आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं, तो जो कन्वर्जन सिखा रहे हैं तो उसके लिए सेकेंड टूल ज्यादा अच्छा रहा, जिसमें एक साइड हमें सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरी साइड मीटर दे रखा है, और हम सेंटीमीटर और मीटर के रूल को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम टू क्लास थ्री स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। टू मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स, टू मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग लार्ज नंबर्स, संख्याओं के योग और व्याकरण के कौशल को प्रवीणता देना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता देना, काउंट अप टू सिक्स डिजिट्स, छह अंकों तक गणना करना, सी द नंबर एज ग्रुप ऑफ हंड्रेड स्टैंड्स एंड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, सैकड़ों दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, और स्थानीय मानों की सार्थकता को देखना। जब हम कक्षा तीन की बात कर रहे हैं, बच्चा कौन से लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में होगा, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ लेवल, जो डेवलपमेंट लेवल है बच्चे का क्लास तीन में, क्लास तीन का मतलब हो गया बच्चा हमारे पास 9 से 11 वर्ष का है, 9 टू 11 इयर्स का हो गया। ठीक है, 9 से 11 वर्ष के बीच में हम देखेंगे बच्चा क्लास थर्ड में होगा, 6 साल में उसका दाखिला होता है, तो 6 प्लस में दाखिला होता है, तो 6-7 के बीच में होता है, तो 7 से 8 के बीच में सेकंड साल गया, 8 से 9 के बीच में हमारे पास, और 9 से 11 के मध्य वाली अवस्था आई। तो अगर हम देखें तो 9 से पहले कि अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर कौन सी चीज डेवलप हो गई होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज है ये थर्ड स्टेज ऑफ नंबर सेंस डेवलपमेंट है, बच्चे की ये अवस्था संख्या अवबोधन विकास की तीसरी अवस्था है। तो जैसा कि हम अवस्था जानते हैं, पहली अवस्था संख्यात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था क्वांटिफाइंग हम मात्रात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था जो हम देखते हैं वो हमारे पास कौन सी है, तो थर्ड स्टेज है पार्शनिंग स्टेज, विभाजनात्मक अवस्था। तो यहां पर अब बच्चा पार्शनिंग स्टेज पर है, जब बच्चा पार्शनिंग स्टेज पर है और बच्चा पार्शनिंग स्टेज विभाजनात्मक अवस्था में है विकास की, तो विभाजनात्मक अवस्था के हिसाब से बच्चे को अब हमें प्लेस वैल्यू सिखानी होती है नंबर सेंस में, तो ये सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाता है कि हमें इसके ऊपर बात करनी है। सिक्स डिजिट के ऊपर अभी हम बात नहीं करते, लार्ज नंबर्स बच्चा दूसरी अवस्था से सीखने लगता है इसलिए ये भी सही नहीं होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन सेंस की बात हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन को फोर डिजिट नंबर के रूप में ये बच्चा 11 साल के उपरांत करेगा, तो ये हम पांचवी या छठी से शुरू करेंगे, तो यहां पर आंसर हमारे पास फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आप लोगों ने अभी तक भी नंबर स्टेज थ्योरी को नहीं देखा है, जो नंबर की स्टेज थ्योरी है, तो फिर इसको पढ़िएगा तब आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम पांचवा देखते हैं क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए
तो रोल प्ले, यूज ऑफ मेथड, सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ मॉडल, भूमिका निर्वाह करना, बहुत सारे हल करना, आईसीटी का प्रयोग करना या प्रतिरूपों का चयन करना। अब क्योंकि धनराशि है, अब मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी का मतलब हो गया कि हम प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से व्यवहारिक गणित से इसको बहुत आराम से जोड़ सकते हैं, और क्योंकि व्यवहारिक गणित से बहुत आराम से जोड़ सकते हैं, तो हमें इसके लिए रोल प्ले मेथड सबसे अच्छा रहेगा, भूमिका निर्वाह करना सबसे बढ़िया चीज रहेगी, क्योंकि इसमें बच्चा भूमिका निर्वाह करते हुए गणित के लेन देन को, गणित के लेन देन में रुपए के प्रयोग से जमा और घटा सीख सकता है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसी के लिए एनसीईआरटी में एक टूल दिया गया है। एनसीईआरटी में आप जब मनी कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो बूझो और पहेली दो जो करेक्टर हैं, अगर आपने गणित की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो बूझो और पहेली दो करेक्टर हैं जो आपस में बातें करते हैं, और उन बातों के माध्यम से वह गणित की बहुत सारी संकल्पनाओं को संक्रियात्मक तौर पर प्रस्तुत करते हैं। बूझो एंड पहेली आर द टू कैरेक्टर्स विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स, एंड दे आर एक्चुअली रोल प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज। इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज दे आर यूजिंग द कॉम्पिटिशनल स्किल्स यूज्ड इन द डेली लाइफ, एंड मनी कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस। तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर हो जाएगा रोल प्ले, यही बूझो और पहेली वाली जो समस्या जो तरीका है, ये हम बच्चों के साथ उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक, अ टीचर यूजेस फॉलोइंग रिडल इन द क्लास व्हाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना, दो चीजों की संकल्पना दे रहा है, पहला आधार 10 और दूसरा स्थानीय मान। वन आई एम लेस देन 8 10s एंड 4 1s, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू इम्पोज द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 प्लेस वैल्यू, टू सबमिट डू टू समेटिव असेसमेंट, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस, दहाई और इकाई की संकल्पना से कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, है सम फन इन क्लास। चलिए ये हम देखें तो ये हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्या सिर्फ हम मजे के लिए बात करेंगे? नहीं, एक रास्ता नहीं है। अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो एनसीएफ 2005 साफ साफ इसमें हमें बात करता है कि हमें गणित को मनोरंजक बनाना है। जिसे क्या चीज है, इसके पीछे कारण एक रास्ता को तोड़ना या मजा करना नहीं है, इसके लिए कारण है कि गणित का भय समाप्त हो। इसके लिए जो एनसीएफ 2005 कारण देता है, वो कहता है गणित का भय समाप्त हो। द फियर ऑफ द मैथमेटिक्स इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फियर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा हमारे पास भय है। अगर हम सबसे बड़ा भय है तो इसका आप देख सकते हैं कि जो सर्वे किया गया एनसीएफ 2005 के कमेटी मेंबर के द्वारा, उसमें 70% बच्चों ने ये कहा कि वह 10वीं के बाद गणित नहीं लेंगे, और बाकी जिन्होंने गणित लेने की बात करी उन सब में, और जिन्होंने छोड़ा उन सब में, 95% बच्चों ने कहा उन्हें गणित से डर लगता है, कि गणित उन्हें नहीं आएगा या गणित उन्हें कठिन लगती है। तो इसको खत्म करने की बात की गई है। दूसरा, हम इसको जीवन से भी जोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये हमारे लिए आंसर नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें, विकास करते समय कक्षा में पहेली का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम पहेली का प्रयोग कब करेंगे? पहेली का प्रयोग हम बच्चे को सिखाने के बाद कर सकते हैं। तो जब हम सिखा चुके होते हैं, तब हम रीइन्फोर्स करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सबमिटिव असेसमेंट के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दो चीजों के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, हम सबमिटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबमिटिव असेसमेंट टेस्ट के फॉर्म में ली जाती है, सबमिटिव असेसमेंट टेस्ट के फॉर्म में ली जाती है, और ये दी गई है वाइल डेवलपिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये एक संकल्पना का विकास करते समय की गतिविधि है, और अगर करते समय की गतिविधि है तो इसीलिए सम्मेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि सम्मेटिव असेसमेंट तो हमेशा अंत में लिया जाता है, ठीक है, इस अंत में लिया जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, क्या हम रीइन्फोर्स करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख सकते हैं।
अब अगर हम देखें, मैं 8, 10 और 4 1 से, तो अगर मैं ये बात करूं कि ये हम दे रहे हैं कोई पजल, तो बच्चे को 8, 10 तो पता होनी चाहिए, 8 दहाइयां। जब अगर उसको दहाइयां दहाइयों का कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, तो उसको समस्या आएगी। तो यहां पर हम इंट्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छी तकनीक के रूप में नहीं देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी तकनीक नहीं है। यहां पे हम रीइन्फोर्समेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना के लिए इसका प्रयोग कर सकता है कि बच्चे को ये संकल्पना आ चुकी है, तो बच्चे को वो एक रिडल देते हैं, एक पहेली देते हैं, जिसमें अब उसको गणित रुचिकर भी लगती है और रुचिकर लगने के साथ साथ वो उसका एक अभ्यास भी कर लेता है। तो आंसर यहां पे फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, टू असेस द स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात हो रही है, बेस्ड ऑन एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट आर। योग और व्यकलन पर आधारित, योग और व्यकलन, शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के, विद्यार्थी को दक्षता करने के लिए आकलन के शीर्षक। तो यहां पर बात की जा रही है रूब्रिक्स, जिसकी हिंदी यहां दी गई है आकलन के शीर्षक। टर्म याद रखिएगा, किसी भी पेडागोजी में रूब्रिक्स पूछी जा सकती है, सिर्फ गणित में नहीं, हर पेडागोजी में रूब्रिक्स पूछा जाता है। हिंदी वाले भी रूब्रिक्स के रूप में ध्यान रखें इसको, रूब्रिक्स भी कह लेते हैं इसको, ये आकलन के शीर्षक है। ये बराबर है किसके, लर्निंग आउटकम्स के। तो जो अधिगम प्राप्तियां हैं, अधिगम प्राप्तियां जितनी भी हमारे पास रहेंगी, वो अधिगम प्राप्तियां हमें रूब्रिक्स कहलाती। एनसीईआरटी ने अलग अलग रूब्रिक्स को जारी किया। रूब्रिक्स को जारी करने के बाद उन्होंने बात करी कि जो कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि रूब्रिक्स कैसे देखते हैं, तो यहां पर हम कंपिटेंसी की बात कर रहे हैं, दक्षता की बात कर रहे हैं। तो अगर दक्षता का आकलन करना है, तो यानी ये जो आकलन है ये एप्लीकेशन बेस होना चाहिए, ये प्रयोग आधारित होना चाहिए। दक्षता की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हम जब कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसी का मतलब हो गया हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, राइटिंग ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग करेक्ट ऑपरेशन, इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट, कंप्रीहेंशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो हम देखें चौथा जो हमारे पास है वो सबसे बेहतर रूब्रिक्स है। इसमें हमने लगभग सभी संक्रियात्मक पक्षों को इंक्लूड कर लिया है। तो अलग अलग संक्रियात्मक पक्ष, ऑपरेशनल सेंस कौन कौन से हैं, ध्यान रखिए ये रूब्रिक्स किसके बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, ये रूब्रिक्स ऑपरेशन सेंस के आधार पर बनाए गए हैं, ये रूब्रिक्स संक्रियात्मक अवबोधन के हिसाब से बनाया जा रहा है। अब ये जरूरी है कि हम संक्रियात्मक अवबोधन जानते हो, इसके लिए एनसीईआरटी ने दे रखा है आपको रूब्रिक्स, वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहां तो रूब्रिक्स के मीनिंग को पूछा जा रहा है। तो रूब्रिक्स का मीनिंग, सवाल का बोधन एक रहेगा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया दूसरा रहेगा, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण तीसरा रहेगा, सवाल का समाधान करना चौथा रहेगा, और प्रस्तुतिकरण पांचवा रहेगा। ये 5 गणितीय रूब्रिक्स के बेसिस हैं। जब भी हम मैथमेटिकल रूब्रिक्स बनाएंगे, तो इन 5 बेसिस पे हम हर टॉपिक का, हर कंटेंट का रूब्रिक्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। तो
ये प्रश्न है हमारे पास, मिस रीना यूजेस अ ग्रिड एक्टिविटी टू टीच द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करते हुए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दे गया। ये ग्रिड एक्टिविटी होती है जिसे हम ग्रीन बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। जो ग्रीन बोर्ड अगर आपने देखा हो तो ग्रीन बोर्ड में हमारे पास एक तरफ ग्रिड बने होते हैं, उसमें हम ये काम कर सकते हैं। थ्रू दिस मेथड मिस रीना इज यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसिंग ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम स्किल, फोकसिंग ऑन प्रोसीजर नॉलेज एंड लेसन कंसेप्शन, फोकसिंग ऑन कंसेप्शन नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन प्रोसीजर नॉलेज। इस विधि का प्रयोग करके सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, प्रकरणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, प्रकरणशील कम। अगर हम देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रोसीजरल नॉलेज है कि हम कैसे ये एक, अगर हम देखें तो प्रक्रमणशील ग्राम है। हम यहां कोई सूत्र नहीं बता रहे, हम कोई भी एक एलोगरिथम नहीं बता रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को गणना करने के लिए कह रहे हैं, वो गणना करता है और गणना करके फिर वो एक प्रकार के किस पे पहुंचता है, गुना के बाद गणना करने की जो संकल्पना है उसकी तरफ पहुंचता है। हियर वी आर नॉट गिविंग एनी फॉर्मूला, वी आर नॉट गिविंग एनी एलॉगरिथम, व्हाट वी आर गिविंग द प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग डेसिमल्स इन अ ग्रिड। व्हेन ही काउंट्स द डेसिमल देन ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग द ग्रिड्स, और यही चीज उसको दे रही है। तो यहां हमारा फोकस किसके ऊपर है, यहां फोकस है प्रोसीजरल नॉलेज पे, और कम फोकस किस पे है, कम फोकस है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे। हमारा ज्यादा बल है प्रक्रमण पर और कम बल है संकल्पना पर। तो उत्तर यहां 3 होगा और कोई उत्तर नहीं आएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सीधा मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं, परंपरागत विधि में हम 2/10 गुणा 3/10 बराबर 6/10 बराबर 0.6 की बात करते हैं, ये करते हैं हम। तो ये नहीं है और समस्या समाधान नहीं है, और इसमें भी प्रकरण व्याज गम दे रखा है तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारे पास तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए। व्हाइल प्लानिंग अ लेसन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एडिशन टीचर इज यूजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रिप फोल्डिंग। भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मॉडल वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। अब ये आपने अगर एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें इस मेथड को भी देखा होगा आपने। ये एक पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी है, प्री कंटेंट एक्टिविटी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कंटेंट एक्टिविटी है, पश्च गतिविधि है, समय की बर्बादी है। तो समय की बर्बादी तो नहीं है, कभी भी एक्टिविटी समय की, पूर्व की गतिविधि है, विषय वस्तु की गतिविधि है। तो ये एक विषय वस्तु की गतिविधि है, ये कंटेंट की गतिविधि है जिसमें हम कंटेंट का बच्चे को ऑपरेशन सिखाते हैं। यहां पे हम बच्चे को संक्रिया सिखाते हैं या प्रक्रमणशीलता सिखाते हैं। प्री ऑपरेशनल एक हमारे पास तरीका है, आंसर इसमें फोर्थ रहेगा। दसवां क्वेश्चन देखें। अ सुटेबल अप्रोच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट अ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट्स कैन बी एक्सप्लेन वर्बली टू द स्टूडेंट्स सेवरल टाइम्स। रिप्रेजेंट डिविजन सम्स एज मिक्स फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन दैट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन पार्ट इज द रिमाइंडर। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना या विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना या स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल डिवाइजर एंड शोइंग देम द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट इन द आर लेस देन डिवाइजर। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। परफॉर्म अ लॉट ऑफ डिविजन सम्स, श्याम पट पर विभाजन कुल करने के बहुत सारे सवाल करना। फिर से क्लास 4 की बात की गई है, यहाँ पे आपसे स्टेज पूछी जा रही है ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम नंबर सेंस के और ऑपरेशन सेंस के स्टेज को देखें हम अवस्था को देखें तो अवस्था कौन सी होगी, अवस्था तीसरी है। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, फिर से मैं नाम लिख देता हूं,
थर्ड स्टेज है हमारे पास पार्शनिंग स्टेज। अब अगर हम विभाजनात्मक अवस्था के ऊपर बात करें तो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड शोइंग देम द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इन द ग्रुप आर लेस देन डिवाइजर, यहां पर हम ग्रुपिंग टेक्निक को यूज करेंगे। हम यहाँ विभाजक, यहाँ पे शब्द विभाजक दे रखा है, हम ग्रुपिंग टेक्निक को यूज करेंगे और बच्चे को पार्टनिंग स्टेज के अवस्था से करवाएंगे, तो आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। While teaching the addition of fractions, it was observed by Mr. Singh that the following type of error is very common. भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। यहां पे हम अगर त्रुटि को पहचाने तो दो और दो को बच्चा सीधा जमा कर रहा है, तीन और पांच को बच्चा 10 के रूप में देख रहा है। तो यहां पे इस तरह की संकल्पना हम कई बार ही पाएंगे कि बच्चा गलत करता है। तो अब ये किस प्रकार से देखें, हम रिमीडियल एक्शन के ऊपर यहां क्वेश्चन पूछा गया है, उपचारात्मक कार्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इस संकल्पना की बात करें तो इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हमें चित्रात्मक प्रतिरूप देना है, एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस, योग पहले सवालों का अभ्यास करना है बहुत मेहनत करके, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हर के लघुत्तम समापवर्ती की संकल्पना को स्पष्ट करना है, एंड गिव मोर प्रैक्टिस ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो तीसरा, चौथा और दूसरा, ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है और अभ्यास हम नहीं करवाएंगे, अभ्यास हम पहले भी देख चुके हैं। दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स हमें अब नहीं करवानी है, यांत्रिक जो गणित है ये गणित अब बच्चों की नहीं होनी है। अब अगर हम देखें तो एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट और गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो एक्सप्लेनेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चित्रात्मक प्रतिरूप देना और स्पष्ट करना, तो स्पष्ट करना फिर से पारंपरिक शिक्षा है जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ट्रेडिशनल है जिसमें टीचर पढ़ाता है, फैसिलिटेशन का अभाव देखते हैं हम, क्रियान्वयन का अभाव देखते हैं। तो क्रियाशील किसमें होगा बालक, जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे और हम पहले फ्रैक्शंस को उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से चित्रात्मक प्रतिरूप से स्पष्ट करेंगे संकल्पना, और फिर उससे जुड़ी हुई गतिविधि के सवाल हम इसमें प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर फर्स्ट में मिल रहा है, उत्तर यहाँ पे पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड 14वां क्वेश्चन है इसमें। रिजुल एक काइनेस्थेटिक गति संवेदी बच्चा है, हिज टीचर मिस नेहा अंडरस्टूड हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग। अब गतिक शैली, तो गतिक शैली कौन सी होती है, गतिक शैली तो अगर हम देखें गति संवेदी काइनेस्थेटिक बच्चा वो है जिसका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा प्रबल है, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज प्रोमिनेंट, यानी वो गामक क्रियाविधियों से सीखेगा, यानी हमने इन पांचों में से गामक क्रियाविधियों को देखना है। गामकता अगर हम देखें तो पहला मेमोराइज है, इसमें नहीं होगी, स्मृति करने में सभी को याद करने में गामकता नहीं आएगी, स्किप काउंटिंग हमारे पास क्रियाविधि तो है लेकिन इसमें गामकता का अभाव है, काउंटिंग द पॉइंट्स इसमें भी गामकता का अभाव है, काउंटिंग में आड़ी तिरछी रेखाओं के बंधुओं को मिलाना इसमें भी हमारे पास गामकता का अभाव है, और कटवा गिनती में भी गामकता का अभाव है। अब अगर हम देखेंगे तो दो
प्रकार के बीड्स को हम ले रहे हैं, जब दो भिन्न रंग वाले मोती धागे ले रहे हैं, तो इसमें बच्चा हाथ से मोतियों के धागों को गिनेगा, और जब वो हाथ से गिनेगा तो विजुअल स्पेशियल मोटर मूवमेंट तीन चीजें चलेंगी यहाँ पे, प्रत्यक्षीकरण, दैशिकता और गामकता। तो ये तीनों चीजें बॉडी काइनेस्थेटिक गठरी संवेदी से संबंधित है, इसीलिए यहाँ उत्तर दूसरा होगा। हम स्ट्रिंग्स और बीड्स के थ्रू बॉडी काइनेस्थेटिक बच्चे को सिखाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां अगर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। द रीजन कैन बी रियलाइज्ड, हम इस दृष्टिकोण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कक्षा में इस दृष्टिकोण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला है अडॉप्टिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, मैनिपुलेशन एंड कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स। हम हस्तचालक, खोजबीन उपागम, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो ये एनसीएफ की एक्चुअली लाइन ही उठा के पूरी की पूरी दे दी गई है, और इसी को हमने एक नाम भी दिया है, वो नाम दिया है हमने कोहेरेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, गणितीय पाठ्यक्रम की संलग्नता, ये हमने इसमें दिया है। तो ये आंसर रहेगा रीराइटिंग ऑल टेक्स्ट बुक्स, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ये नहीं करना है, जब तक कि हम उसको रिलेट ना करें लाइफ से तब तक प्रॉब्लम देने का कोई मतलब नहीं रहता। सवालों को अगर हम जोड़ेंगे तो इससे हमें कोई वो नहीं रहती, बहुत सारे सवाल देंगे अगर कार्यपत्रक के रूप में तो कोई फायदा नहीं है, अगर हमने उसको जीवन से नहीं जोड़ा। इसी तरह पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन क्यों करना है इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। विशेष कोचिंग, इस तरह की कोई चीज हमारे मैथ्स को थिंकिंग और रीजनिंग के लिए नहीं बढ़ाती कोचिंग, बल्कि हमने स्कैम्प के लॉ में देखा कि जो हम अगर बच्चे को इंस्ट्रूमेंटल कोचिंग करवाते हैं तो वो एक्चुअली बच्चे की मैथमेटिकल थिंकिंग को बर्बाद करती है। अगर हम इस कैंप के नियम के अनुसार देखें तो हम ये पाएंगे कि इस तरह का जो चिंतन है वो बालक के गणितीय बुद्धि को बर्बाद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है, यूज ऑफ अबेकस इन क्लास 2, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग, ये क्या करेगा? रीड द नंबर्स विदाउट एरर, संख्या पढ़ने के लिए बिना त्रुटियों की सहायता करेगा। राइट द नंबर इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स, संख्याओं के संख्यांक बताएगा। अटेन परफेक्शन काउंटिंग, गणना में परिशुद्धता करेगा। या अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की महत्ता को बताएगा। अगर आप लोगों ने अबेकस देखा हो तो अबेकस कुछ इस तरह का होता है, इसमें रॉड्स लगी होती हैं और रॉड्स के अंदर बीड्स होती है, 10-10 की बीड हर रॉड में लगी होगी। छोटे बच्चों को हम विशेषकर ये खेलने के लिए देते हैं, इस तरह का होता है अबेकस जिसमें सभी में बीड्स लगी होंगी, 10-10 करके बीड्स लगी होती हैं। तो ये पर्टिकुलर टूल है प्लेस वैल्यू को समझाने का, जिसमें ये इकाई हो गया, यूनिट हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया। तो एक एक पंक्ति दशमलव के एक एक स्थानीय मान के बढ़ोतरी को दिखाती है। तो सबसे पहली पंक्ति इकाई को दिखाएगी, दूसरी पंक्ति दहाई को दिखाएगी, तीसरी सैकड़े को, चौथी हजार को, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर फोर्थ हो गया, जिसमें हम स्थानीय मान की महत्ता को समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कंप्लीशन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ मैथ करिकुलम। एक थीम बेस हम जब देखते हैं कि गणित की जो थीम्स ली गई हैं उसमें से पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, हमने फर्स्ट से लेकर 8th तक के लिए थीम को रखा है। पैटर्निंग इसमें आपको एक थीम के रूप में दिखेगी। अगर आपने एनसीईआरटी की रूब्रिक्स पढ़ी होगी, अगर आपने एनसीईआरटी के आकलन दिग्दर्शक पढ़े होंगे या लर्निंग आउटकम पढ़े होंगे, अधिगम प्राप्तियां पढ़ी होंगी, तो उसमें इन पैटर्नों को एक अलग से थीम में दिया गया है। अब ये थीम किस लिए? प्रिपेयर स्टूडेंट टू टेक अप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं को के लिए तैयार करना, ये कभी भी एक उद्देश्य नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य अब
शिक्षा में कंपटीशन प्रतियोगिता ना रहकर कोऑपरेटिवनेस सहकारिता या सहयोगीपन रह गया है। नेक्स्ट देखिए, टू स्टूडेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग सुडोकू पजल, सुडोकू पहेलियों को हल करने के लिए। तो अगर हम सुडोकू की पहेलियों की बात करें तो ये भी हमारा उद्देश्य गणित में नहीं हो सकता। अब अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें रह गई, प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, हम सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ हम संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझा रहे हैं। ये दूसरा, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट सृजनात्मकता और कलात्मकता। तो यहां पर कलात्मकता हमारा पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, गणित के मुख्य उद्देश्यों में से अगर हम इसे आवश्यक कहें, अनिवार्य हिस्से की बात करें, हम अगर इसे असेंशियल पार्ट कहें, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, प्रमुख उद्देश्यों की बात हो रही है। तो प्रमुख उद्देश्य कलात्मकता नहीं है, इसीलिए ये आधा सही है और आधा गलत है। आंसर हमारे पास तीसरा होगा, जिसमें हमने तीन प्रमुखता की बात करी। पहला प्रमुखता हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स यानी नंबर सेंस की बात कर रहे हैं, संख्यात्मक अवबोधन की बात कर रहे हैं जो संख्याओं के माध्यम से बात की गई है, नंबर्स के माध्यम से। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें संक्रिया ऑपरेशन सेंस, हम यहाँ पे ऑपरेशनल सेंस की बात कर रहे हैं, और तीसरा हम सृजनात्मकता को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, क्रिएटिविटी को। तो यहाँ जो मेन पर्पस है वो ये दो है, नंबर सेंस और ऑपरेशन सेंस को दबाना। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 15 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सेंस एंड ऑपरेशन सेंस के रहते हैं। इसकी संकल्पना अगर आपको आई है तो आप गणित सीख रहे हैं, गणित की पेडागोजी सीखे हैं, नहीं तो गणित की पेडागोजी में अभी त्रुटियां बाकी रहेंगी। हम संख्या अवबोधन और संक्रिया अवबोधन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, रोहन ऑफ क्लास 4 कैन डू स्किप काउंटिंग, कक्षा 4 का रोहन तरीके से कटना गिनती कर सकता है। कटना गिनती या एक एक छोड़कर गिनती जिसे हम कहते हैं, कटना गिनती का मतलब हुआ, इन विच डेवलपमेंटल फेज ऑफ नंबर इज ही, वह संख्या के किस विकासात्मक स्तर पर है। देखिए यहां पर सीधे सीधे इसमें आपसे विकासात्मक स्तर पूछ लिए गए हैं। एमरजेंट फेज हमारा पहला फेज होता है, मैचिंग फेज हमारा दूसरा फेज होता है, तीसरा फेज क्वांटिफाइंग फेज है, चौथा पार्शनिंग फेज है। प्रारंभिक स्तर पहला है, या इसे हम पहले स्तर भी कहते हैं, या इसको हम शुरुआती स्तर भी कहते हैं। मिलान स्तर दूसरा स्तर है, परिमाणात्मक स्तर तीसरा स्तर है, विभाजनात्मक स्तर पांचवा स्तर है, इसके अलावा चौथा स्तर है, सॉरी, इसके अलावा पांचवा स्तर होता है फैक्टरिंग स्टेज। गुणनखंड स्तर और छठा स्टेज होता है ऑपरेटिंग स्टेज। संक्रियात्मक स्तर, तो ये 6 फेज है हमारे पास। अब इसमें से पूछा गया कटना गिनती किस अवस्था में आ जाती है, हमें स्किप काउंटिंग किस अवस्था में आ जाती है। तो ये 6 फेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो कटना गिनती हमारे पास शुरू होगी जब बच्चा क्वांटिफाइंग फेज में जाता है, जब बच्चा परिमाणात्मक स्तर में जाता है। तो आंसर यहाँ पे थर्ड रहेगा, परिमाणात्मक स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास 4 मैथ्स टेस्ट हैज अ क्वेश्चन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कन्वर्ट द, कन्वर्ट होगा। कक्षा 4 की गणित परीक्षा में सवाल है, भिन्न 5/6 को दशमलव में रूपांतरित कीजिए। द क्वेश्चन एम्स टू टेस्ट, यहां पर प्रश्न का उद्देश्य पूछा गया है, नॉलेज ऑफ डेसिमल फैक्ट्स, दशमलव तथ्यों का ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्शन ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल की संकल्पना को समझना, प्रोसीजरल स्किल ऑफ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, भिन्न को दशमलव रूपांतरित करने की प्रक्रियात्मक कुशलता, और फिर स्किल ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट, 10/10 के पेपर ग्रेड का रेखांकन करते हुए भिन्न के दशमलव को करना। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें ड्रॉइंग पेपर ग्रिड तो इस प्रश्न में मेंशन ही नहीं किया है, हमें पेपर ग्रिड के रेखांकन की बात ही नहीं की गई, इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें डेसिमल फैक्ट,
तो यहां पर कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, रूपांतरित करने के लिए कहा गया है, इसलिए ये प्रश्न एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है, ये एक प्रयोग प्रश्न है। तो प्रयोग प्रश्न है तो ज्ञान आधारित तो ये प्रश्न ही नहीं है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से, इसीलिए नॉलेज भी नहीं हो सकती, नॉलेज तो है ही नहीं इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से। अब हम यहां पर बात करें, फिर से एप्लीकेशन है, जबकि दूसरे में क्या दिया गया, अंडरस्टैंडिंग, संकल्पना की समझ। तो ये संकल्पना की समझ भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से नहीं है, ये दूसरी दूसरा चरण होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, और दूसरे चरण में सेकंड जो हमारा डोमेन है उस सेकंड डोमेन का भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एप्लीकेशन यानी थर्ड डोमेन का है। तो थर्ड डोमेन हमारे पास तीसरे में दे रखा है, प्रोसीजर स्केल भिन्न के रूपांतरित करने की प्रक्रिया, इसीलिए आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन यूज वेरियस मेथड्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, समस्या समाधान रणनीतियों की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे गिनती करना, प्रत्यक्ष संख्या तथ्य, काउंटिंग, डायरेक्ट मॉडलिंग, नंबर फैक्ट्स। सीक्वेंस फ्रॉम विच चिल्ड्रन पास थ्रू वाइल डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, समस्या समाधान रणनीतियां विकास करते समय बच्चे क्रम से गुजरते हैं। अगर हम बच्चों के क्रम को देखें तो ये हमें तीन फिर से विकास स्तर की बातें कर रहे हैं। ये तीन स्तर कौन से हैं विकास स्तर के? सबसे पहले हमारे पास मैचिंग है, मिलान करना, फिर है क्वांटिफाइंग, और क्वांटिफाइंग के बाद है पार्शनिंग। मात्रात्मक और विभाजनात्मक, ये तीन फेज में हम देख रहे हैं। तो मिलान करने में हम क्या चीज देखेंगे? मिलान करने में हम डायरेक्ट मॉडलिंग देखेंगे, हम प्रत्यक्ष मॉडलिंग देखेंगे। प्रत्यक्ष तो हम चीजों को मिलान करते हैं, जैसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसे गोला कहते हैं तो इसे भी गोला कहते हैं, यानी गोला फुटबॉल कैसा होता है तो फुटबॉल संतरे जैसा होता है, संतरा कैसा होता है तो फुटबॉल जैसा होता है, ये मिलान फेज हो गया। इसके बाद क्वांटिफाइंग, यानी अब हम इनको संख्या देना शुरू करते हैं, तो गिनती करना, तो यहां पे काउंटिंग आ जाएगा, गिनती आ जाएगी, और लास्टली फिर हम अब संख्या के तथ्यों के ऊपर बात करने लगेंगे, हम नंबर फैक्ट्स देखेंगे। और अगर हम नंबर फैक्ट्स देखेंगे तो हमारे पास इस हिसाब से हुआ, मैचिंग फेज पहला है तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका सी, तो आंसर हो गया फोर्थ, बी से ए से सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, तो 43वां है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट नंबर सेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर सेंस पूछा गया है हमसे, सीधा सीधा नाम ही दे दिया गया नंबर सेंस का। प्राथमिक विद्यालयों में संख्याओं की समझ, या इसे संख्यात्मक अवबोधन भी कहा जाता है। नंबर सेंस इन द प्राइमरी स्कूल इज ऑलवेज अकम्पनी विद डेवलपिंग ऑपरेशन सेंस। अब इसमें दूसरी भी ले ली गई है, संक्रियात्मक अवबोधन, संक्रियात्मक बोध, संक्रिया बोध के साथ होती है। इनमें से कथन को संक्रिया बोध के अवयव के रूप में नहीं बताया जा सकता। कौन सा इसमें से संक्रिया बोध का अवयव नहीं है? फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी रेफर्ड एज कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन सेंस। डिटरमाइनिंग द ऑपरेशन टू बी यूज्ड इन गिवन सिचुएशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट द सेम ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन, रियलाइजिंग द ऑपरेशन इफेक्ट ऑन नंबर, कंपेयरिंग द नंबर एंड क्वांटिटीज। दी गई स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली संक्रिया को निर्धारित करना, यह समझना कि समान संक्रिया को भिन्न समस्या स्थिति में उपयोग में लाया जा सकता है, संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रभाव को जानना और संक्रियाओं और परिणामों की तुलना करना। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो जो एक ऑपरेशनल स्टेटमेंट नहीं है वो ये है, रियलाइजिंग द ऑपरेशन इफेक्ट ऑन नंबर, संख्याओं और संक्रियाओं के प्रभावों को जानना।
ठीक है। यहां पर हम क्या चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि नंबर सेंस, संख्यात्मक अवबोधन, ये ऑपरेशन सेंस के अंतर्निहित है, ये संक्रिया बोध के अंतर्निहित होता है, संक्रिया अवबोधन के ये अंतर्निहित चलता है। और क्योंकि ये संख्या अवबोधन के अंतर्निहित चलता है, इसीलिए यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्या का भाव है और वही ऑपरेशन का भाव है। जो संक्रिया के लिए अवबोधन है वही संख्या के लिए अवबोधन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अंतर्निहित होते हैं, इसीलिए आंसर यहां पर क्योंकि नहीं का पूछा गया था तो तीसरा होगा। बाकी तीनों संक्रिया को भी बता रहे हैं और संख्या को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, संख्यात्मक अवबोधन भी और संक्रियात्मक अवबोधन भी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मिस्टर जैन ड्रॉज द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैन साहब ये फिगर बना रहे हैं, आरेख खींच रहे दीवार के ऊपर। देन ही पोज्ड अ प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स, इफ 1/2 लीटर पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट 1/8 ऑफ द वॉल, हाउ मच पेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट कंप्लीट वॉल। यदि दीवार के 1/8 को रंगने के लिए आधा लीटर पेंट की जरूरत होती है तो पूरे दीवार को रंगने के लिए कितना पेंट चाहिए होगा। अब अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहां पे जो जैन साहब हैं वो क्या चीज बताना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस बताना चाहते हैं, वो संख्याओं के भिन्न के गुणनफल की बात करते हैं। यानी अगर मुझे आधा लीटर पेंट चाहिए और इससे मैं रंग कर पा रहा हूं 1/8 दीवार की, तो फिर कैसे करें बताइए। दूसरी चीज इसमें जो दी गई है ऑप्शन के रूप में, डिविजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना बताना चाहते हैं, या वो डिविजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, भिन्न को भिन्न से विभाजित करने की बात कर रहे हैं, या फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर, भिन्न से पूर्ण संख्या को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी संकल्पना लेके चल रहे हैं इसके ऊपर प्रश्न है, ये क्या चीज लेके चल रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या पाएंगे इसमें, हम यहां पे पाएंगे कि 1/8, 1/2 दीवार है, लीटर पेंट है, यानी हम 2 गुना पेंट ले रहे हैं तो कितना हो गया, 2/8 दीवार हो गई। अब हम 4 गुना पेंट ले रहे हैं तो 4/8 हो गई, और हम 8 गुना पेंट ले रहे हैं तो 8/8 हो गई, यानी एक दीवार हो गई। ये चीज लेके आना चाहते हैं हम, ठीक है। फिर से दोबारा हम देखते हैं, हम आधी दीवार में 1/8 पेंट कर रहे हैं, इससे हम आगे निकलते हैं तो 2/8 में, 2/2 में हम 2/8 दीवार करेंगे, 4/2 में लीटर पेंट में हम क्या करेंगे, 4/8 करेंगे, और 8/2 में हम 8/8 यानी एक दीवार करेंगे। यहां पे हम कितने लीटर पेंट देख रहे हैं, 4 लीटर पेंट देख रहे हैं, तो 4 लीटर पेंट एक दीवार के लिए चाहिए। अब यहां हम भिन्न को भिन्न से विभाजित कर रहे हैं या फिर हम पूर्ण संख्या को, तो ये तो हमने गुणनफल का तरीका देखा। अब अगर हम इसको दूसरे रूप से सोचें तो आध हाफ मीटर दीवार, 1/8 दीवार, तो एक दीवार चाहिए, तो 1 = 8/2 यानी 4। तो यहां पे हम भिन्न को भिन्न से गुणनफल करने की प्रक्रिया को देख रहे हैं या विभाजित करने की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो हम यहां पूर्ण संख्या और भिन्नों के संकल्पना को देख रहे हैं, यानी हम पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना और भिन्नों का भिन्न से गुणनफल इस रूप में देख रहे हैं। तो हमारे पास उत्तर पहला हो जाएगा इसमें, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस को देखते हैं
और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस करके हम ये पाते हैं कि हमें कितनी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे डिवीजन नहीं आ रहा होल नंबर का, यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है। बार बार देखिए, हमने प्रोडक्ट किया है, यहाँ पे हमने गणना करी है, यहाँ पे हमने सॉरी गुणा करी है, यहाँ पर हमने गुणा करी है, यहाँ पर हमने गुणा करी है, यहाँ पर हमने गुणा करी है। अगर हम इस रूप में देखें तो यहाँ गुणा करी है, यहाँ गुणा करी है। तो किसी भी स्वरूप से अगर हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस आता है हमारे पास, तो उत्तर यहाँ एक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैंतालीसवां प्रश्न है, अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 4 एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन सॉर्टिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, ओरिएंटिंग नंबर्स एंड शेप्स, टेल टाइम, मेजरिंग। पढ़ने वाला बच्चा छांटने, पैटर्न्स को पहचानने, संख्याओं और आकृतियों के उन्मुखीकरण, समय बताने, मापने आदि में कठिनाई होती है। यह बच्चा संभवतः डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया अवधारण में विकार से है। सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी पठन गणित विकार हैं। ये सभी गणित विकार हैं। दे ऑल आर द मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, इसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसमें बच्चे को ये परिभाषा दी गई है, छांटने में, पैटर्न बनाने में, समय में, मापने में, इन संकल्पनाओं में दिक्कत आती है। अगला प्रश्न देखें। 46वां प्रश्न है, स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद एस्टिमेशन, बच्चे अनुमान लगाने में काफी संघर्ष करते हैं। दे आर नॉट एबल टू मेजर एक्यूरेटली, परिशुद्धता के साथ मापने योग्य नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू यूनिट्स, दो इकाइयों के बीच में अंतर नहीं कर पाए हैं। दे डोंट हैविंग मच एक्सपीरियंस विद डिफरेंट यूनिट्स, इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं है। दे आर नॉट स्किल्ड एनफ टू यूज रूलर, उनमें रूलर इस्तेमाल करने की पर्याप्त कुशलता नहीं है। ठीक है, यहां पे जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, एक अनुमान की बात करते हैं, ठीक, तो अनुमान एस्टिमेशन रफ मेजर है। ये हमारे पास एक आंशिक संभावित मापन है। अब अगर हम आंशिक संभावित मापन को देख रहे हैं तो क्या हम इसमें परिशुद्धता की बात करेंगे? नहीं करेंगे, हम इसमें एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एस्टिमेशन है ये। तो अब दूसरा, अगर हम बात करें डिफरेंट यूनिट्स, तो इसमें यूनिट्स की भी बात नहीं हो रही क्योंकि इकाइयों के हिसाब से थोड़ी हम आकलन के अंतर को देखेंगे। अगर कोई एक इकाई को जानता हो तो उसी में आकलन करना होगा ना, दो इकाइयों के अंतर की क्या आवश्यकता है। मान लिया कि एक व्यक्ति को सेंटीमीटर पता है तो वो सेंटीमीटर में मापन करेगा, किसी को इंच पता है तो वो इंच में मापन करेगा। अब इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या बना? इनमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन की आवश्यकता नहीं, जब मुझे एक रफ एस्टिमेट देना है तो। तीसरा, अगर हम देखें तो मच एक्सपीरियंस, तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं क्योंकि बच्चे को अभी अनुभव नहीं है तो उसके पास ये क्षमता ही विकसित नहीं हो पाई है कि 1 सेंटीमीटर कितना हो सकता है, उसके हिसाब से 10 सेंटीमीटर कितना होगा या ये लंबाई कितनी हो सकती है। तो ये यहाँ पे हमें एक अच्छा दिखता है। और फिर चौथा रूल जो है वो रूलर की बात की गई, चौथा जो ऑप्शन है तो रूलर फुट्टे के लिए तो यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें एस्टिमेशन करना है। फुट्टे से तो एग्जैक्ट लेंथ पता चलती है, फुट्टे से हमें तो बिल्कुल सही आकलन पता चलेगा। तो आंसर यहाँ पे तीसरा रहेगा, उसे अभी विभिन्न इकाइयों का अधिक अनुभव नहीं हुआ है इसीलिए वो अभी बचता है विभिन्न प्रकार के आकलन करने से, यह कठिनाई होती है उसको। अगला क्वेश्चन देखें। अ टीचर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर इन द क्लास, परिमाप की संकल्पना का परिचय देती है। शी यूज लॉट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कट्स, आज द चिल्ड्रन टू मेजर ऑल राउंड, बहुत सारे ज्यामिति कटआउट लेती हैं और बच्चों को आसपास की चीजों को मापने के लिए कहती हैं। अब वो असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, वह संख्या की समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। रवि इज रनिंग ऑन अ फुटपाथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड मार्क ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। रवि 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क के फुटपाथ पर दौड़ रहा है, रवि ने एक चक्कर में कितनी दूरी
तय की। ठीक है, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, क्या कारण हो सकता है ये पूछा गया है, कारण क्या है इसका, व्हाट इज द व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। पहला है चिल्ड्रन हैव नॉट अंडरस्टूड एट ऑल द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, बच्चों की परिकल्पना बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहां पर हमने अभी सारे असेसमेंट टूल को यूज नहीं किया है, सिर्फ हम एक असेसमेंट टूल की बात कर रहे हैं, तो एक असेसमेंट टूल पर हम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया इसकी बात नहीं कर सकते। हम जब एक टूल यूज करते हैं तो उसके बाद अगर हमें लगता है कि बच्चों को त्रुटि है तब हम डायग्नोस्टिक टूल्स करते हैं, और डायग्नोस्टिक टूल्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, संकल्पना में कहां समस्या है। तो जब तक हम नैदानिक आकलन नहीं कर रहे तब तक हम इसके बारे में सटीकता से नहीं कह सकते। फिर देर इज अ गैप इन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, हो सकता है बताए गए उद्देश्यों में और आकलन उद्देश्यों में अंतर है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और आकलन के उद्देश्य में अंतर है। अब अगर हम देखें परिमाप की संकल्पना दी जा रही है, ठीक है, और वर्गाकार फुटपाथ के पे दौड़ रहा है, ठीक, और लंबाई 10 मीटर दे रखी है, तो यहां हम ये अंतर नहीं देख सकते क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन में समझाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है वही असेसमेंट में जांचा जा रहा है, तो वैलिडिटी तो है, ये जो हम देख रहे हैं इसे हम वैलिडिटी कहते हैं आकलन की, इसे हम आकलन का आकलन की वैलिडिटी कहते हैं कि आकलन वैलिड है या नहीं है, वैधता कहते हैं। तो वैधता है आकलन में, इसीलिए ये भी आंसर गलत नहीं होगा। चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, बच्चों को प्रश्न की भाषा समझ नहीं आई है। यहां पे हम कक्षा 5 की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर हम कक्षा 5 की बात कर रहे हैं तो वैलिडिटी की दिक्कत तो नहीं है, ये हमने ऑप्शन 2 में देख लिया। तो यहां क्या दिखता है हमें, कक्षा 5 का बच्चा कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल के बीच का बच्चा होता है, कक्षा 5 का बच्चा मूर्त और अमूर्त अवस्था के बीच का बच्चा है। अब क्योंकि हम बच्चे को एक वाचिक प्रश्न दे रहे हैं, ये अगर हम देखें तो ये एक लिंग्विस्टिक क्वेश्चन है, जब भी हम बच्चे को लिंग्विस्टिक क्वेश्चन देते हैं तो लिंग्विस्टिक क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट होता है, लिंग्विस्टिक या वर्बल क्वेश्चन, हम जिसे वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, हम भाषाई प्रश्न दे रहे हैं, और जब हम भाषाई प्रश्न देंगे तो बच्चे को हमेशा इसमें कठिनाई हो सकती है। तो यहां पर ये उत्तर सटीक है कि बच्चे को हो सकता है कि लैंग्वेज में दिक्कत हो रही हो इसीलिए दे रहा हो, तो हम तुरंत ही एक नॉन वर्बल क्वेश्चन को फिर बच्चे को रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या बच्चा उसको करने में सक्षम है। चौथा देखते हैं, चिल्ड्रन आर टू यंग, तो ये आंसर गलत है, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं इस प्रकार की समस्या को समझने के लिए, तो ये गलत ऑप्शन है। ये गलत ऑप्शन क्यों है, क्योंकि 5 साल की उम्र का बच्चा 9 साल से बड़ा हो जाता है, और 9 साल से बड़ा हो जाता है तो 9 साल से 11 साल के बीच में हम बच्चे को इनफॉर्मल डिडक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल डिडक्शन फैक्टरिंग फेज हमारे गुणनखंडात्मक अवस्था चरण का यह अवस्था का बच्चा होता है, और उसको हम ये समस्याएं दे सकते हैं, इसीलिए चौथा ऑप्शन गलत होगा, तीसरा आंसर रहेगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षक कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन करता है, मौखिक आकलन लिया जा रहा है, ओरल असेसमेंट, हरीश कैन स्पीक डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर ऑड इवन प्राइम कंपोजिट एक्यूरेटली बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एक्यूरेटली, हरीश सभी तरह की संख्याएं विषम सम अभाज्य और भाज्य की परिभाषा बता सकता है, लेकिन जब उसे संख्याओं का सेट दिया जाता है तो वो उनकी सही पहचान नहीं कर पाता। अब शिक्षक बताता है, टीचर रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है, कैसे रिपोर्ट करेगा, गुड मेमोरी बट लैक प्रैक्टिस, स्मरण शक्ति अच्छी लेकिन अभ्यास का अभाव है, गुड मेमोरी बट लैक कंसंट्रेशन, स्मरण शक्ति अच्छी लेकिन एकाग्रता का अभाव है, गुड मेमोरी बट लैक्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्मरण शक्ति अच्छी लेकिन संकल्पना का अभाव है, गुड मेमोरी बट लैक्स एनालिटिकल एबिलिटी, स्मरण शक्ति अच्छी लेकिन विश्लेषणात्मक योग्यता का अभाव है। अब यहां संकल्पना का अभाव है या विश्लेषण का अभाव, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा तो साफ साफ गलत है, क्योंकि बच्चे ने
अभ्यास किया न किया या नहीं किया, इससे कभी भी विश्लेषण या संकल्पना की शक्ति विकास नहीं होती। तो प्रैक्टिस हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभाव भी गलत है, क्योंकि जब बच्चा उत्तर दे रहा है प्रश्न का, इसलिए एकाग्रता का अभाव तो नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हमारे गलत आंसर है। अब अगर हम देखिए थर्ड, गुड मेमोरी, गुड मेमोरी, चलो ये दोनों तो सेम है। लैक्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लैक्स एनालिटिकल स्किल, संकल्पना का अभाव है या विश्लेषण का अभाव है। अब यहां पे हम देखेंगे कि बच्चे से एक संख्या पूछी गई है या सेट पूछा गया है। तो क्योंकि यहां सेट पूछा गया है, ठीक है, अब बच्चा इसमें पहचान नहीं कर पा रहा। एक तो ये चीज है, हमारे पास एक संख्या नहीं सेट दिया गया है, यानी संख्यात्मक योग्यता से आगे की बात करेंगे हम। दूसरा, यहां पर क्या बात की गई है, यहां पे बात की गई है आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है। सही पहचान नहीं कर पा रहा है। तो पहचान नहीं कर पाने का मतलब है बच्चे के पास संकल्पना ही नहीं है। एनालिटिकल एबिलिटी तो हम तब देखते जब बच्चा पहचान तो सही करता, लेकिन संख्याओं का सेट ना देकर उसको संख्याएं प्रयोग करने के लिए दी जाती। अगर उसको संख्याएं प्रयोग करने के लिए दी जाती और तब वो अगर नहीं कर पा रहा होता तो एनालिटिकल एबिलिटी होता। इसीलिए ये यहां आंसर नहीं होगा, आंसर यहां थर्ड रहेगा, हरीश का संकल्पना का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट टू चेक द कंसेप्ट ऑफ शेप्स इन क्लास सेकेंड, कक्षा दो में आकृतियों की संकल्पनाओं की जांच करने के लिए आकलन के शीर्षक क्या होंगे। तो फिर से रूब्रिक्स का क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। आकलन के शीर्षक, इसको मैंने एक और नाम दिया था आपको, इसी को हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। अधिगम प्राप्तियां कहते हैं। कैन ड्रॉ शेप्स एक्यूरेटली, नोज द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच पॉलीगन, परिशुद्धता के साथ आकृतियों का रेखांकन कर सकता है और प्रत्येक बहुभुज में संख्याएं प्रदर्शित कर सकता है। कैन ड्रॉ शेप्स एक्यूरेटली एंड कैन नेम देम करेक्टली, आकृतियों का रेखांकन कर सकता है और उनके नाम दे सकता है। कैन ड्रॉ द राइट शेप एंड कैन सॉर्ट आउट द शेप एंड कैन टेल इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इन वर्सेस एक्यूरेटली, रेखांकन कर पाएगा, छांट पाएगा, बुझाएं किनारे शीर्षों को परिशुद्धता से बता पाएगा। कैन टेल द नेम ऑफ गिवन शेप, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सर्कल एंड पॉलीगन। अगर हम देखें तो तीसरा और चौथा दोनों ही क्लास सेकंड में नहीं है। तीसरे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वेन हीले मॉडल के ऊपर आधारित प्रश्न है और उसी के हिसाब से हम एनसीईआरटी के अलग अलग रूब्रिक्स को बनते हुए देखते हैं। तो अगर हम वेन हीले मॉडल की बात करें तो बच्चा सेपरेशन मॉडल की बात कर रहा है, डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की तो थर्ड स्टेज सेपरेशन की बात कर रहा है। सेपरेशन स्टेज थर्ड है और फोर्थ स्टेज की हम अगर बात करें तो अटेनमेंट की बात कर रहा है, अटेनमेंट फोर्थ है। यानी बच्चा अलग अलग चीजों में विभाजन कर पाता है, ये वेन हीले का मॉडल है, तो वो तीसरे अवस्था की तरफ है, यानी वो सही आकृतियां बता पाएगा, छांट पाएगा। और जब बच्चा प्राप्ति अवस्था तक पहुंचता है तो प्राप्ति अवस्था में वो सभी चीजों को अच्छे से पहचान पाएगा। अब सेकंड क्लास का बच्चा किस अवस्था में होता है, तो अगर हम लेवल देखें, स्तर देखें, तो सेकंड क्लास का बच्चा डिस्टिंक्शन के लेवल पर होता है, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन का लेवल क्या है, तो अगर हम यहां देखें तो सेकंड क्लास का बच्चा डिस्टिंक्शन कर सकता है। बच्चा विभेदीकृत कर सकता है। विभेदीकृत का करने का मतलब है कि बच्चा शेप को अच्छे से बता पाएगा और उनके नाम को सही से बता पाएगा।
बच्चा परिशुद्धता के साथ आकृतियों का रेखांकन करेगा और साथ ही साथ बच्चा अलग अलग चीजों के ऊपर नाम दे पाएगा। तो यहां पर सेकंड आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान, परिप्रेक्ष्य आधारित पाठ योजना। तो परिप्रेक्ष्य आधारित क्या है? एक्सपोजिशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सटेंशन या क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन, व्याख्या, खोज, विस्तार या फिर एकीकरण, किसको हम परिप्रेक्ष्य देखेंगे? तो परिप्रेक्ष्य का मतलब है एक्सप्लोरेशन, खोज परखता। बच्चा प्रश्न पूछ पूछ के सही उत्तर तक पहुंच जाता है, इसको हम एक्सप्लोरेशन या खोज परख कार्य कहते हैं। तो आंसर यहां सेकंड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आईसीटी टूल, सूचना और संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ज्यामिति की कक्षा में खोज परख कार्यों के प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है, एलिबरेटरी टास्क इन इफेक्टिवली। तो आईसीटी का जो हमारे पास ज्योमेट्रिक टूल है, इसी को हम जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्योमेट्रिकल टास्क सॉफ्टवेयर क्या है? जियो जेब्रा। ज्यामितीय प्रदत्त कार्य सॉफ्टवेयर है जियो जेब्रा। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये वैन हीले के मॉडल पर बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर वैन हीले के मॉडल पे बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन 52वां है। अलजेब्रा टाइल्स, बीजगणितीय टाइल को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हम देखें तो अलजेब्रा टाइल हमारे पास कैसी होती है? इस तरह की टाइल्स बनी होती हैं एक जैसी, जिनके ऊपर जिन्हें हम अलजेब्रा टाइल्स कहते हैं, और अलग अलग शेप में होती है, जो शेप एक दूसरे के फैक्टर में होते हैं, एक दूसरे के गुणनखंड में होते हैं, इस तरह से होंगी। या अगर हम एक बड़ी टाइल देख लेते हैं तो जो से चार टाइल से मिलकर एक बड़ी टाइल बन रही होगी, तो इस तरह से ये एक बड़ी टाइल होगी जिसमें ये चार टाइलें मिल रही है, ये दो टाइलें मिलकर ये दो टाइल बना रही हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर्स के रूप में देखेंगे। तो इनका जो मूल काम होता है, वो इनका मूल काम होता है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ाना है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसके हिसाब से हम एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को तो नहीं देखेंगे, हम इसमें घातांक और वर्गमूल और घनमूल को नहीं देखेंगे। अब दो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, द्विघातीय व्यंजक गुणनखंड और समीकरण का, इसमें लीनियर एक रेखीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों इसमें आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ की बात की गई है, आरेख की बात की गई है। तो अल्जेब्रिक टाइल्स आरेख के लिए नहीं होती, वो तो हमारे पास जो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, एक समीकरण देखेंगे जिसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, उसके लिए काम आता है। तो जैसे हम देखेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स और प्लस सिक्स, इसको लेके अगर करना हो काम तो हम ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए हमें ये काम आएगा। तो इसमें हम फर्स्ट आंसर इसीलिए देखेंगे, द्विघातीय व्यंजक का गुणनखंड ये कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 53वां क्वेश्चन है। टीचर गेव सॉर्टिंग एक्टिविटी, छांटने संबंधी गतिविधि देता है और निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत करना है। फॉलोइंग ट्रायंगल्स रिफ्लेक्ट टू एंगल्स। तो ये क्रिएटिव टास्क नहीं है, सृजनात्मक कार्य तो नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक कार्य में हम तीन लक्षण देखते हैं, न्यू नया, नोवेल नवीन एंड ओरिजिनल मौलिक। ये तीनों ही चीजें इसमें नहीं है, इसलिए क्रिएटिव तो नहीं हो सकता। आप बंधन तो हो सकता है, मुक्तन तो हो सकता है, मननशील हो सकता है, इन तीनों में से कौन सा लगाएंगे? तो ओपन एंडेड भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इन सात ऑप्शंस में से ही काम करना है, दिए गए ऑप्शंस में से काम करना है। तो क्लोज एंडेड हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है।
अब ये दोनों तरह के काम है, इसमें हम किसको चुने, क्लोज एंडेड को चुने या रिफ्लेक्शन को चुने? अब क्योंकि सबसे पहले एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके अगर हम स्टेप्स देखें तो बच्चा किसको कैसे करेगा, आइडेंटिफाई एंगल्स, कोणों की पहचान कीजिए, इसके बाद फिर क्लासिफाई, वर्गीकरण करना है। यानी ये एक रिफ्लेक्टिव टास्क है जिसमें बच्चे को क्लासिफिकेशन करना है रिफ्लेक्ट करके कि प्रॉपर्टीज किस क्लास में आती है किस क्लास में नहीं आती है। इसके लिए बच्चे को एंगल के बेसिस पे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो फिर बच्चा रिफ्लेक्टिव टास्क की तरफ चला जाता है। तब बच्चा फिर किसकी तरफ चला जाता है, मननशील कार्य या प्रतिदर्श कार्य पे चला जाता है, इसीलिए आंसर यहां फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखें, टू रिमूव द एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स इन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। बच्चा इसमें एरर कर रहा है कि वो स्क्वायर के स्थान पर ये लिख रहा है कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर के लिए। इसके लिए शिक्षक बीज गणितीय टाइल्स का प्रयोग करता है और उसके बाद पूरे वर्ग संबंधी कार्यपत्रक देता है। बच्चा इसके लिए वो टीचर जो है इसमें एलजेब्रिक टाइल्स को यूज कर रहा है, ये एलजेब्रिक टाइल्स है जिसके हिसाब से वो इसको यूज कर रहा है, ये एलजेब्रिक टाइल्स को वो बताना चाहता है। अब एरर किसके कारण है, रीडिंग डिसेबिलिटी के कारण, राइटिंग डिसेबिलिटी के कारण, पुअर कंसेप्ट फॉर्मेशन के कारण, ये साइकोमोटर डेवलपमेंट के कारण, ये हमारे पास पठन निर्योग्यता, लेखन निर्योग्यता, खराब संकल्पना या मनोगतिक निर्योग्यता है। क्योंकि टीचर काइनेस्थेटिक टूल को यूज कर रहा है, टीचर मनोगामक उपकरण प्रयोग कर रहा है, मनोगामक उपकरण कैसे, मनोगामक उपकरण इसलिए क्योंकि मूर्त है, कॉन्क्रीट होती है टाइल्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग देती हैं, दैशिक अवस्था देती हैं और मोटर अंडरस्टैंडिंग देती हैं, गामक अवबोधन देती हैं, तीनों देती हैं, इसलिए मनोगामक उपकरण है। और मनोगामक उपकरण है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बच्चे को साइकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, मनोगतिक निर्योग्यता हो सकती है, इसके कारण इस त्रुटि को सुधारने के लिए बच्चे को क्या दिया जा रहा है, बच्चे को काइनेस्थेटिक टूल दिया जा रहा है, बीजगणितीय टाइल दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, पेरेंट्स को फीडबैक देना, पेरेंट्स को प्रतिपुष्टि देना, नहीं, फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति पत्रक बढ़ना, यह भी नहीं रहेगा, केवल प्रगति पत्रक नहीं देख सकते, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर एंड टर्म एग्जामिनेशन, ये भी एक अच्छा आंसर नहीं है, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन बनाया। वैसे भी जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, निदान की बात करते हैं, तो निदान किसके लिए होता है, निदान होता है समस्या को पहचानने के लिए, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, लर्निंग गैप को पहचानने के लिए, अधिगम रिक्ति को पहचानने के लिए एंड डिफिकल्टी बच्चे की कठिनाई को पहचानने के लिए। तो ये हम विशेषता क्या पाते हैं, ये हम विशेषता पाते हैं कि बच्चे के अंतर्गत समस्या है। चलिए निदान से हम ये पाएंगे। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन थिंग्स इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट विच रोल एंड स्लाइड हेल्प चिल्ड्रन टू लुक एट देयर शेप्स एंड सी हाउ थिंग्स रोल एंड अदर साइड्स। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल से हम कॉन्क्रीट थिंग्स ले रहे हैं,
बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो, बच्चों को उनके आकार देखने और ये समझने की कैसे वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती हैं सहायता करें। ये स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी से ली गई है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से ली गई है। सजेशंस लाइक दिस हैव बीन गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 2 टू हेल्प अ टीचर अंडरस्टैंड। इस तरह के सुझाव कक्षा 2 की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये शिक्षक की सहायता करते हैं। इट इज इंपरेटिव फॉर द टीचर्स टू ड्रॉ द चिल्ड्रन अटेंशन टू दीज थिंग्स। आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। डिस्कस सप्लीमेंटरी विद डेमोंस्ट्रेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पना बेहतर तरीके से सहायता करती हैं। डिस्कशंस ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इनटू क्लासरूम। चर्चाएं बहुविध परिपेक्षों को कक्षा में लाती हैं। डिस्कशन इज द बेस्ट स्टडी फॉर द मैथ्स मैथमेटिक्स क्लासरूम। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। अब ये चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, इन चारों ही ऑप्शन में कोई गलती नहीं लग रही, कुछ कमी नहीं लग रही, लेकिन फिर हम आंसर कौन सा लगाएं? ठीक है, अब अगर हम देखें इंपेरेटिव फॉर टीचर्स टू ड्रॉ अटेंशन, तो क्या ये सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए नहीं है, ये आंसर सही है लेकिन बहुत अच्छा बेहतर उत्तर नहीं हो सकता। अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा आंसर है सप्लीमेंट विद डेमोन्स्ट्रेशन, निर्देशन संपूरित चर्चाएं। तो यहां पर हम संपूर्ण दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को हम यहां पर सप्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरे में हम देखें मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुपरिपेक्षता लेके आती है, और चौथे में देखें बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स क्लासरूम, मैथमेटिक्स क्लासरूम है। तो यहां पर स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हमें यहां शिक्षक की सहायता के रूप में पूछा गया है, हेल्पर टीचर। अब हेल्पर टीचर में सेकंड या थर्ड, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव के लिए हेल्प करता है या कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है? क्योंकि शिक्षक के संदर्भ में पूछा गया है, तो शिक्षक के संदर्भ में यहां पर हमारे पास बच्चे का संदर्भ सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है, सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया है विद्यार्थी का संदर्भ दिया गया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। थर्ड आंसर होगा बहुविध परिपेक्ष को लेके आती है, इससे शिक्षक को सहायता मिलती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दे कैन ब्रिंग इनटू द क्लास एंड दिस हेल्प्स द टीचर। टीचर का कंटेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, तीन फ्रेम में हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे चौथा ऑप्शन जो है वो एजुकेशन फ्रेम का है या सिस्टम फ्रेम का है। तो तीन फ्रेम होते हैं, पहला फ्रेम होता है टीचर के लिए, दूसरा फ्रेम होता है लर्नर के लिए, और तीसरा फ्रेम होता है सिस्टम के लिए। ये तीन फ्रेम में प्रश्न बनते हैं, शिक्षक के फ्रेम में, अधिगमकर्ता के फ्रेम में और व्यवस्था के फ्रेम में। तो हम इसको व्यवस्था के फ्रेम में देखेंगे, तो इसको हमने शिक्षक के फ्रेम में देखना है आंसर। तो चौथा ऑप्शन व्यवस्था के फ्रेम में और दूसरा ऑप्शन बच्चे के फ्रेम में, अधिगमकर्ता के फ्रेम में, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, आंसर तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चैप्टर्स इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 4 हैव टाइटल्स लाइक द जंक सेलर, ट्रिप टू भोपाल, द वे द वर्ल्ड लुक्स। गणित की पाठ्यपुस्तक की पुस्तक में हम देखते हैं कबाड़ी वाली, भोपाल के शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ये सिंपल सी चीज है कि हम इसको एवरीडे लाइफ से जोड़ रहे हैं, हम दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स बना रहे हैं। ये ध्यान रखिए, हम सिक्स फर्स्ट टू एट्थ क्लास प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स लेते हैं, व्यवहारिक गणित के अब अधिगम और शिक्षण की बात करते हैं। तो ये आंसर हमारे पास सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें इसमें। The weight of some mangoes is 2 kg 600 ग्राम and that of some apples is 1 kg 400 ग्राम। कुछ आमों का भार, ये गणित का प्रश्न है, तो गणित के शिक्षक इसको सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। Using clues to arrive at solution, activity-based estimation, extensive practice. हल करने तक संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित अनुभव, अनुमान लगाना या व्यापक। सवाल हल करना, problem solving as a strategy. Problem solving as a strategy है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग।
एक स्ट्रेटेजी के रूप में मैथमेटिक का मतलब है सॉल्यूशन के रूप में हम क्या क्लूज दे सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्री प्लान। जब भी हम युक्ति की बात करते हैं तो हम पूर्व योजना को लेके चलते हैं। पूर्व योजना को चलेंगे तो वो आंसर हमें दिखता है हल करने के लिए संकेतों का प्रयोग, यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन। यहां पे आंसर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीक्वेंस द फॉलोइंग टास्क एज दे वुड बी टेकन अप व्हाइल डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड स्पेस अक्रॉस प्राइमरी क्लास। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। मैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप, डिस्क्राइब इंटुटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप, सॉर्ट्स 2D शेप, डिस्क्राइब द वेरियस 2D शेप। 2D आकार के भुजाओं शीशों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान, 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन, 2D आकारों को छांटना और 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की करते हुए उनका वर्णन करना। यहां पे अगर हम एक्टिविटीज को एक स्कीम देना चाहें, एक सीक्वेंस देना चाहें, क्रम देना चाहें, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डिस्क्राइब इंट्यूटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स। यहां पे हम जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसे देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें 2D शेप को डिस्क्रिप्शन देना है। अब 2D शेप को हम डिस्क्रिप्शन कब दे पाएंगे? जब हम इंट्यूटिवली डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसे देखेंगे कि ये मैच भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तो हम इंट्यूटिवली इसको देख पाएंगे प्रॉपर्टीज को। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, हम बोध को विकसित कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग में क्या हम सबसे पहले मैचिंग करेंगे या पहले हम काउंटिंग करेंगे या पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे या पहले हम सॉर्टिंग करेंगे? तो सबसे पहले सॉर्टिंग आएगा। और ये सॉर्टिंग किस फेज को रिप्रेजेंट करेगा? अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैचिंग फेज को, ये मिलान को अवस्था करता है। तो सबसे पहले सी चीज हो जाएगी, यानी ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहां पर जब देखें तो अगली चीज हम क्या देखते हैं? अगली चीज हम बात कर पाते हैं जैसे ही सॉर्टिंग कर लेता है, तो सॉर्टिंग के बाद हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? सॉर्टिंग के बाद बच्चा तुरंत ही चला जाएगा, किसको बताना? डिस्क्राइब करना शुरू करेगा वो अलग अलग प्रकार के फेजेस को। तो वो मैचिंग फेज है तो फिर से मैच करना शुरू करता है। सॉर्टिंग करने के बाद वो मैचेस द प्रॉपर्टीज बाय ऑब्जर्विंग देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स। तो ये अभी मिलान अवस्था में ही चल रहा है, जैसे ही बच्चे ने सॉर्ट कर लिया तो वो मैचिंग करना शुरू करेगा, यानी ए आएगा। आंसर तो हमारा यहीं से निकल गया, थर्ड आएगा। इसके बाद डी आएगा, जब वो साइड्स और कॉर्नर्स को डायग्नोसिस कर लेता है। तो जब वो साइड्स और कॉर्नर को डायग्नोसिस कर लेता है तो वो थर्ड फेज में चला जाता है। और थर्ड फेज किसका है? थर्ड फेज हमें किसका दिखाई देता है? वो दिखाई दे रहा है वैन हीले मॉडल। वैन हीले मॉडल में अब बच्चा डिस्टिंक्शन करना शुरू कर देगा। और जैसे ही बच्चा विभेदीकृत करता है तो विभेदीकृत करने में क्या करेगा? वो बच्चा शुरू में वेरियस 2D शेप्स के साइड कॉर्नर और डायगनल्स बताएगा और फिर वो इंट्यूटिवली प्रॉपर्टीज बताना शुरू कर देगा। और जब हम इंट्यूटिवली प्रॉपर्टीज बताना शुरू करते हैं तो हम किस चीज को देखते हैं? तो हम यहां पर चौथी अवस्था को देखते हैं जो है सेपरेशन अवस्था और अटेनमेंट अवस्था। फिर चौथी अवस्था को देखेंगे तो अटेनमेंट अवस्था आएगी। तो यहां हमारे पास हम वैन हीले मॉडल के हिसाब से आंसर देखते हैं, आंसर हमारे पास रहेगा
अगले क्वेश्चन को देखें हम, तो व्हेन फेस्ड विथ वर्ड प्रॉब्लम्स, जब शब्द समस्याओं से बच्चे को जोड़ा जाता है, जब राजन के सामने शब्द समस्याएं आती हैं, तो वो प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, शुड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, शुड और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये क्या दिखाते हैं? राजन प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन, कैन नॉट ऐड एंड मल्टीप्लाई, राजन सीक ऑपरेशन टू डिस्टर्ब द क्लास, भाषा समझने में कठिनाई है, संक्रिया समझने में कठिनाई है, या गुणा और जोड़ नहीं कर सकता, या अवसर खोजता है। तो हम पहले जब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो हम बाधा का अवसर तो हटा दें, क्योंकि वो बाधा नहीं है, प्रश्न पूछना बच्चे की परीक्षा और जिज्ञासा को दिखाता है, बच्चा करना चाहता है। अब वो बोल रहा है कि मैं जमा करूं, घटा करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, इसका मतलब उसको ऑपरेशंस आते हैं, उसका स्टेटमेंट ये दिखाता है कि बच्चे को संक्रियाएं आती हैं, और जब बच्चे को संक्रियाएं आती हैं इसका मतलब संक्रियाओं को नहीं समझता, ये गलत हो गया, और वो नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया, ऑपरेशंस को नहीं समझ रहा, ये भी गलत है, और मल्टीप्लाई, इसका मतलब उसको भाषाई तौर पर संक्रियाएं नहीं पता, इसीलिए आंसर फर्स्ट हो गया, बालक को संक्रिया की भाषा समझने में परेशानी हो रही है। नेक्स्ट देखें, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया अ टीचर कैन स्टार्ट विथ, क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। अब कंसेप्ट ऑफ एरिया को शुरू करना है, तो कंसेप्ट ऑफ एरिया हम किससे शुरू करेंगे, इसके ऊपर हम पहले क्वेश्चन भी देख चुके हैं, पांचवी और छठी में इसके लिए हमें दिया गया है, ये हम काउंटिंग यूनिट स्क्वायर से करते हैं, हम इकाई वर्ग गणित की सहायता से करते हैं। यहां अगर हम देखें तो हम कैलकुलेटिंग एरिया से कर पाएंगे, इसमें रॉन्ग ऑप्शंस देख लेते हैं, कई बार कुछ वेरिएशन भी आ सकता है, तो आपको थोड़ी स्पष्टता होगी। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग लेंथ एंड एप यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें बच्चे को नहीं देना है, सूत्र नहीं देना है, तो इसलिए गलत है। तीसरे में एक्सप्लेनिंग फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला पे बेस्ड आ गया, तो फॉर्मूला हमें नहीं देना है, सूत्र हमें नहीं देने, इसलिए गलत हो गया। कंपेयरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फिर से कंपैरिजन की बात करी गई है, मैंने पहले भी बताया था, ये हम किसके लिए लेते हैं, ये हम लेंथ लंबाई के लिए लेते हैं, ये जो हमारे पास तरीका है, ये लंबाई, ये इकाई की सूचना देने के लिए दिया जाता है, इकाई को सिखाने के लिए दिया जाता है, तो ये ऑप्शन भी यहां नहीं होगा, आंसर यहां सेकेंड है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हेन टीचिंग शेप्स अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों की ओर जा सकता है, क्यों, क्या कर रहे हैं? गुड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स, ये गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश है। फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, रिकमेंड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम इसी में यूज करेंगे, क्यों यूज करें, ये कारण हमारे पास रिकमेंडेशन नहीं हो सकता। शेप्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर एंड कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स, वास्तुकला एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के विभिन्न सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है, ये सही आंसर है, और इसको एनसीएफ 2005 ने एक नाम दिया है इस उद्देश्य को, और इस उद्देश्य को वो नाम देते हैं टॉल ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स। एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, एनसीएफ 2005 ने एक संकल्पना दी है गणित के लिए कि गणित का एक लंबाकार आकार है जिसमें हम एक पार्श्वीय या हम क्या कहते हैं ट्रांजिशनल, हम एक स्थानिक रूप से एकीकरण देख रहे हैं, तो ये जो इसमें संकल्पना दी गई है, तो इसमें दो संकल्पनाएं जुड़ी हुई है, अंतर संबंध को हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं, हम यहां पर कहेंगे कि जो इसमें है ये एक पार्श्विक एकीकरण है, जबकि लंबवत ऑर्डर का मतलब है कि हम ग्रेजुअली कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को इंक्रीज करते हैं, हम किस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, हम इमर्जेंट फेज से ऑपरेटिंग फेज तक, हम पहल चरण से लेकर संक्रियात्मक चरण तक, तो ये टॉल ऑर्डर और हिस्टोरिकल इंटीग्रेशन, ये एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स के लिए गणित के लिए देता है, आंसर इसमें थर्ड रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विकास टीचेस मैथमेटिक्स इन क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, 56 बच्चों की क्लास में एक बच्चा पढ़ा रहा है, ही बिलीव दिस टेस्ट इज इफेक्टिव इफ द फीडबैक इज गिवन इमीडिएटली, वो मानता है कि अगर तुरंत प्रतिपुष्टि दे दी जाए तो यह प्रभावी होता है परीक्षण जो है।
वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा को आयोजित करता है प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ गिविंग फीडबैक? ही कैन एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पर सभी प्रश्नों को हल समझाए। ही हैव द होल क्लास डिस्कशन ऑन द वेज इन विच दे गेट देयर सॉल्यूशन, वो कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। पिक आउट कॉपी एट रैंडम एंड डिस्कस द मेथड फॉलोड इन द कॉपी, यादृच्छिक रूप से किसी भी कॉपी का चयन कर सकता है। वी लेट द स्टूडेंट चेक ईच अदर आंसर। अब अगर हम देखें तो पहला गलत है क्योंकि बोर्ड आधारित शिक्षा तो अब हमें देनी ही नहीं है, हम गतिविधि आधारित शिक्षा देखते हैं, ठीक है। तीसरे में गलती है रैंडमनेस की, अगर किसी ने त्रुटि करी तो इसका हम पता कैसे करेंगे, अब यादृच्छिक रूप से या औचक रूप से अगर हम करेंगे। चौथा हम क्या देखते हैं कि अगर बच्चों को हम एक दूसरे के आंसर चेक करने के लिए देते हैं तो यहाँ पर बच्चों में क्या आकलन की क्षमता है, ये है ही नहीं, इस कारण से हमें दूसरा आंसर अपने आप ही स्वतः मिल जाता है कि यही सही होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां हम क्या चीज कर रहे हैं, यहां हम प्रश्न को हल करने के बहु उपागम विधि को यूज कर रहे हैं। ये एक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टूल है, मल्टीपल मेथड्स फॉर वन प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये एक आवश्यक है स्मृतिकरण से गणित को हटाने के लिए। जब पारंपरिक शिक्षा में एक गणित का शिक्षक एलोग्रिथम बताता था, ये सूत्र बताता था, तो वो बच्चे की गणितीय बोध को, गणितीय अवबोधन को खत्म कर देता था। इसी को सही करने के लिए अब हम क्या लेके चल रहे हैं, इसी को हम लेके चल रहे हैं कि कितनी तरह से प्रश्न हो सकता है इसको हम देखेंगे। तो आंसर यहां पे सेकंड रहेगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। While teaching comparison of fractions in which the numerators are same, easy 3 by 5, 3 by 7, Rohit, response was since the numerators are same and since 7 is larger than 5, therefore 3 by 7 is bigger than 3 by 5. This suggests that. भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 और 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताना है कि रोहित does not know the concept of numerator and denominator. हर और अंश की अवधारणा नहीं जानता है। डू नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। रोहित हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। रोहित डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शंस, रोहित को भिन्नों से परिमाप की समझ नहीं आती, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो 3/5 और 3/7, यहां 5 और 7 की तुलना है 3 की विधि से। अब अगर हम तुलना करने के लिए कह रहे हैं तो 3 को 5 बार बांटना, 3 को 7 बार बांटना, जब ये मान रहा है कि हर समान है और अंश समान है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कंसेप्ट ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता उसको, अंश और हर की अवधारणा नहीं पता, क्योंकि उसने अंश और हर को सही सही पहचाना है। अब यहां पर अगर हम देखें, डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शंस, परिमाण की समझ नहीं है, तो इसके लिए इसमें तुलना का पता ही नहीं चलता। अब यहां हम देखें तो उसको दिक्कत इसमें हो रही है कि 7 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम सेकंड आंसर को देखेंगे जो सही रहता है, अभ्यास वाला तो हम आंसर वैसे भी नहीं लगा सकते, प्रैक्टिस वेल की बात, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में उसको समस्या है, इसीलिए वो इसमें त्रुटियां कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 76वां प्रश्न है। टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की अवधारणा को प्रचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत करता है। फाइंड फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, राइटिंग फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बी ए एंड बी, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड, और आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर्स डिफरेंट डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, अंश और हर की पहचान करना। तो हमने फिर से इसमें देखा है, जब भी हमें कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हम हमेशा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। हमें 8वीं तक कोई सी भी अगर कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को देना है तो हम हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, यानी शुरुआत किससे होगी, मूर्त से होगी। अब अगर मूर्त से शुरुआत करनी है तो इसमें मूर्त का केवल एक उदाहरण है, तीसरा, अपने आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड। क्लास के लिए हम इसमें स्ट्रिप्स, फ्रैक्शनल स्ट्रिप्स को यूज करते हैं,
इसीलिए हम यहां पर आंसर तीसरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, व्हेन टीचिंग एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस अ टीचर केम अक्रॉस 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 2 बाय 5, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 2 बाय 5, बच्चा इस तरह की कर रहा है, व्हाट रिमीडियल एक्शन, उपचारात्मक कार्य क्या किया जाता है। नो इंटरवेंशन इज नीडेड, गलत है, हमें इंटरवेंशन की जरूरत होगी, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं इसकी आवश्यकता होगी। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने की आवश्यकता है, यहां परिमाण के लिए समस्या नहीं है। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, समापवर्ती लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करना, यहां ये हम देखेंगे क्योंकि बच्चा लघुत्तम समापवर्ती नहीं समझ पा रहा 2/3 में, इसीलिए समस्या आ रही है। आद द चाइल्ड टू प्रैक्टिस एज मच एज ही कैन, ये नहीं आएगा, अभ्यास अब हम काम नहीं करते, अभ्यास ड्रिल हमारी अधिगम को बोरिंग बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। बहुत सारे सवालों को हल करना नहीं, बहुत सारे सवालों को हल करने वाले गणक होते हैं, गणितज्ञ नहीं होते। दे आर नॉट द मैथमेटिशियन, दे आर द क्लर्क्स। अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शंस अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना, ये है। और इसी को ये परिभाषा है किसकी, ये परिभाषा है ऑपरेशन सेंस की, ये संक्रियात्मक अवबोधन की परिभाषा है। मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, ये भी नहीं है, और सूत्रों को याद करना, ये भी गणित नहीं है, गणित ऑपरेशन सेंस है। तो हम सेकंड आंसर को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस द फॉलोइंग टास्क एज दे आर टेकन अप व्हाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। लर्नर्स यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ, लर्नर्स यूज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ, लर्नर्स वेरीफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन, लर्नर्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या पाते हैं, यहां पे हम अगर लेना चाहें तो सबसे पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन को लेंगे, सी को लेंगे। तो हम देखें बी सी ए डी ए, सी से एक ही चीज शुरू की गई है, तो आंसर तो हमें पहले ही उस पर मिल गया। फिर से दोबारा मैं बात करूं तो हमें शुरुआत किससे करनी होती है, कंक्रीट से करनी होती है, मूर्त से करनी होती है। इसमें अगर हम देखें तो मूर्त पहले में है इसमें, ठीक है, इसके बाद सारा का सारा अमूर्त आ गया। तो सी के बाद हम किसको लेके चलेंगे, हम बी को लेके चलेंगे। जैसे बच्चा वेरीफाई करने लगेगा, इसी वेरिफिकेशन को जो हमने कंक्रीट लेवल पर देखा था, मूर्त लेवल पर देखा था, बच्चा करता है, इसे हम एस्टिमेशन कहते हैं, इसी को हम अनुमान कहते हैं, बच्चा अनुमान लगाने लगता है। उसके बाद हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ जाते हैं, यानी बित्ता या बालिस्ता हम हाथ से नापते हैं। इसके बाद हम किसकी तरफ जाएंगे, ए की तरफ। फिर बच्चा नॉन स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्ड यूनिट करने लगेगा, और स्टैंडर्ड यूनिट के बाद फिर बच्चा मीट्रिक यूनिट्स को, रिलेशन को देखने लगेगा। तो आंसर यहां पर सेकंड रहा। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एनसीएफ कंसीडर्स दैट द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। From the statement given below, pick out which does not reflect the above principle. कौन सा उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? Activities and exercise chosen for the class, क्रियाकलाप and अभ्यास, the method in which it is taught, पढ़ाने की विधि, giving set formula to solve the students mechanical numerical questions, अधिक निर्धारित सूत्रों को बताना, The way material presented in the textbook is written, सामग्रियां दी जाती हैं। यहां पर हम देखें तो अभ्यास हमारे पास गलत है, लेकिन क्रियाकलाप ठीक है, अभ्यास इस सेंस में लिया गया है। यहाँ सूत्र गलत है हमारे पास, हमें फॉर्मूला गलत दे रखा है। तो इन दोनों में अगर हम ज्यादा बेहतर देखें आंसर, तो थर्ड बनेगा, थर्ड हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, थिंकिंग को ये नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिस मटीरियल भी हम नहीं देते हैं, हम अभ्यास भी नहीं देते हैं, तो अभ्यास के लिए भी हमें काम नहीं करना है। तो जहां अभ्यास अलग से दिया होगा, वहां क्रियाकलाप के बाद अभ्यास दे सकते हैं, लेकिन हम अभ्यास अलग से नहीं देंगे। तो आंसर यहां पे थर्ड। तो साथियों, ये आपने प्रश्न देखे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी मॉडल्स समझ में आए होंगे, और मॉडल्स के बेस पे जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करी है वो समझ में आए होंगे।
अगर आपको मॉडल्स आपने इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडल्स के कंसेप्ट को यूज कीजिएगा। अगर मॉडल के नाम से प्रश्न आता है तो समस्या फिर भी हो सकती है, तो उसके एक दो प्रश्न आ सकते हैं, वरना इनके बेस कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जो कंसेप्ट आपको मोर ओवर समझ में आ गए हों कि हमें एक क्रमिक 6 फेज में विकास करना है गणितीय और संक्रियात्मक बुद्धि का, और दूसरा 5 स्टेज में हमने एक बच्चे के ज्यामितीय विकास को करना है, ज्योमेट्रिकल सेंस को डेवलप होते हुए देखना है, इस तरह के मॉडल हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंटल मैथमेटिक्स जो यांत्रिक गणित है, जो पारंपरिक गणित था, जैसे हम पहले सूत्रों के माध्यम से या एलोगरिथम के माध्यम से पढ़ाते थे, जिसको अब हमने बदलना है व्यवहारिक गणित के माध्यम से, जिसमें हमने बूझो और पहेली की संकल्पना को देखा था कि जो 2 करेक्टर हमने एनसीईआरटी किताबों में दिए हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न अच्छे जाएंगे। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, और इसको फिर से नेक्स्ट वीडियोस के साथ मैं और भी आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद और नमस्कार, फिर मिलते हैं।